चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इतिहास से संबंधित देख रहे हैं। लगभग नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश अकादमी द्वारा। अपनी साहित्यिक कृतियां द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसने किसे प्रदान किया गया? मैथिली गुप्त शरण को। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का। अगला, किस धर्म से अणुव्रत सिद्धांत किया गया? जैन धर्म से। अगला है माधवी मुद्गल, मुद्गल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ओडिसी। अगला, किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया है? श्रीलंका ने। अगला है रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। अगला है टू लाइफ पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। अगला है सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? सुरक्षा मंत्रालय की। अगला है नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी नदी के। अगला है वेन और मैन किसके अनुरूप है? तो यह वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन पोलियन एरिया नेटवर्क। बताओ इतिहास में कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिए, क्या बात है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री था वीके कृष्ण मेनन। अगला है नील की खेतीहारी की घोर प्रथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? तीन बंधु। अगला है गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सीमा है? इंडोनेशिया की। अगला है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड किसकी अनुसंगी कंपनी है? रिलायंस की। अगला है जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? रिलायंस की। अगला है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। अगला है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा वस्ता पेंशन योजना। अगला है जादू टोना तथा तंतु मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद में। अगला है ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए कहा गया? गाय के लिए। अगला है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी यह कथन किसका था? हीलर व्हीलर तथा गार्डन का। अगला है उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। अगला यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ? गंधार शैली का। अगला महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? उदंड। अगला लोदी सुल्तान कौन थे? अफगान। अगला फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? मलिक शमसुद्दीन शाह ने। अगला रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? रजियत उद्दीन। अगला भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता की स्थल की खोज की गई? 1922 में हुई मोहनजोदड़ो की। अगला चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित थी? कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन बिहार कश्मीर में। अगला भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ कौन कौन थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला बौद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में था? विनय पिटक में। अगला एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला है जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? रुद्र दामन का। अगला है शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? कलिंजर।
किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा, राक्षसी, तंगड़ी। अगला, हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या मुगल सम्राट के काल में थी, औरंगजेब के काल में। अगला, यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। अगला, कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसके ने स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? 1565 में। अगला, महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके भी सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम भट्ट, चालुक्य शासक था। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, विजयनगर पर शासन करने वाले तीन राजवंश? तो ये है सलो, तुलो, अरविंदो, अरविदु। अगला, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। अगला, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे? सात। अगला, वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की। अगला, खिलजी खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में है, सावित्री को समर्पित है। अगला, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो से। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में। अगला, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासकों ने कराया? यशो वर्मन। अगला, गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? वसम सुद्दीन की उमरस। अगला, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने। अगला, किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए? स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय। अगला, किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया? भद्रबाहु के साथ। अगला, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो सेवने के किले में। फारसी भाषा के अनेक विद्वान द्वारा संकलित रजम नामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? महाभारत का। यहाँ बताते हैं आपको शिवाजी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में सेवने दुर्ग में हुआ था, और इनकी मृत्यु भी बात करें तो 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। ठीक है, इनकी समाधि की बात करें तो रायगढ़ में। इनकी पत्नी का नाम था सकोवर बाई और पुतला बाई। ठीक है, इनके बच्चे थे संभाजी, राजा राम, अम्बिका बाई, रडू बाई, जाधव। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय इतिहास के से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स।